ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की नवरात्रि की भक्ति चरम पर पहुंच गई है। बुधवार को महाअष्टमी पर्व धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया गया। महाअष्टमी पर्व पर आस्था स्थल कालिका माता मंदिर में तड़के सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। माता रानी के भक्तों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कतार में माँ कालिका के दर्शन कर मन्नतें मांगी। कालिका माता मंदिर में महाअष्टमी पर्व पर धार्मिक अनुष्ठान किए गए। माँ कालिका के दरबार में हवन पूजन विधि विधान के साथ की गई। हवन के बाद पूर्णाहुति कर माता रानी की आरती की गई। इधर दुर्गा सप्तमी की रात कसारा बाजार में रहवासियों ने माता की आरती की। नगर निगम प्रशासन मेरी मर्जी की तर्ज पर ही संचालित हो रहा है। हालत इतने बद से बदतर है कि इस बार नगर निगम दशहरे पर्व पर रावण के पुतले का निर्माण करवाना ही भूल गया। नियमों को ताक पर रखकर ताबड़तोड़ निगम ने रावण निर्माण की प्रक्रिया तो की। रावण के पुतले निर्माण के लिए कोई भी व्यावसायिक कलाकार आगे नहीं आया, जबकि दशहरे पर्व में सिर्फ एक दिन ही शेष है। निगम ने रावण दहन की रस्में निभाने के लिए एक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए की लागत से रावण निर्माण का ठेका देकर अंबेडकर मांगलिक भवन में रावण के पुतले का ढांचा तैयार करवाना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ बनाए जा रहे रावण पुतले का कद भी इस बार कम कर 21 फीट कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि निगम ने इस बार किसी गायक कलाकार को, जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, को ठेका दिया है, जिसमें एक निगम कर्मी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला प्रशासन को निगम में खेला गया रावण निर्माण के खेल की जांच करवानी चाहिए। रावण निर्माण में लगे कलाकार जोगेंद्र सिंह छपरी ने अंबर टाइम्स को बताया। सिंह छपरी, ये आप रावण कब से बना रहे हो? मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया। मैं भारी, एक्चुअली भारी करता था पिछले साल से। मुझे तो यहाँ पे काम नहीं है। पहले कहाँ करते थे? पहले सरदारपुर, धार, राजगढ़। रतलाम में जो रावण बन रहा है जी, नगर निगम का, ये कितने फीट का बन रहा है? ये समथिंग 21 फीट का है। 21 फीट का जी। कितनी लागत आ रही है? लागत तो अपन लोग तो क्या मजदूरी से कर रहे हैं। ठेका किसका है? ठेका भी इसका नाम क्या है, राजेश जी उनका ठेका है जी। अच्छा, ये रावण हमेशा 10 दिन पहले बनता था जी, उसका एक दिन पहले बन रहा है, क्या कारण है? ये तो न्यास का प्रोसीजर होगा। नहीं, क्या एक दिन रावण खड़ा हो जाएगा जी? तो पहले 10 दिन के पहले बनता था तो वो उसका प्रोसीजर लंबा चौड़ा रहता था ना। ये अभी 21 फीट का है, उसमें क्या 51 फीट ये जो हाइट बढ़ती थी उसमें वर्कर भी ज़्यादा लगते हैं, फिर टाइमिंग भी ज़्यादा लगती है। इस बार रावण की हाइट कम हो गई है जी, तो उसकी गुणवत्ता क्या रहेगी? कितना फटा करेंगे, कितनी देर जलेगा ये? पिछले साल से तो बेटर ही जलेगा। कितनी देर का अनुमान आपका, कितनी देर जलना चाहिए? अनुमान कम से कम 10-15 मिनट तो जलेगा। 10-15 मिनट जलेगा जलेगा। कितने का फटा क्या रहे हैं इसके अंदर?
पटाखा का तो आइडिया नहीं अपने। एक दिन पहले एक घर से लापता हुए 40 वर्षीय व्यक्ति का शव तालाब के पास बने कुएं में तैरता हुआ पुलिस ने बरामद किया है। खबर के मुताबिक ग्राम पलसोड़ी के नया टापरा निवासी नाथू कटारा का शव कुएं में तैरते हुए उसके पुत्र दिनेश ने देखकर पुलिस को खबर दी थी। मौके पर पहुंची डीडी नगर थाना पुलिस ने कुएं से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मृतक किसी हादसे का शिकार हुआ है या अन्य कोई कारण है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए ग्राम पलसोड़ी के सरपंच विकास पारगी ने बताया, लाश मिस क्या है? लाश ग्राम पंचायत पलसोड़ी के मजरा नया टापरा में कुएं में रात 9 बजे उसकी लाश देखी है। उसको निकाल के रात में हॉस्पिटल पहुंचा था, अभी पीएम कराने के लिए आया। कभी कुछ गुमसुदगी वगैरह? नहीं नहीं नहीं, एक दिन ही हुआ था और एक दिन बाद 24 घंटे बाद लाश दिख गई। इधर इधर ढूंढ रहे थे परिवार ने, नहीं मिला। तो फिर तालाब, खेत के पास में एक तालाब था, तालाब में जूते पड़े थे बाहर। उसके बाद वहाँ देखा तो डेड बॉडी बाहर तैरती नजर आई। क्या कारण रहा? अभी कोई कारण नहीं, घर वालों से जानकारी लेंगे उसके बाद मालूम पड़ेगा। आपका नाम? विकास पारगी, सरपंच ग्राम पंचायत पलसोड़ी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि क्या था? ये हमको रात को सूचना मिली 11:30 बजे करीब, उसको जाके हमने देखा तो एक कुएं के अंदर ग्राम पलसोड़ी नया टापरा में एक कुएं में उसकी लाश तैरती हुई मिली। उसके लड़के द्वारा सूचना दी गई, जिस सूचना पर मैं रात को गया और उसको रात को निकलवाया गया कुएं में से और रतलाम चीज में भर्ती कराया, पीएम रूम में रखवाया गया। आज पीएम कराया जा रहा है उसका। परिवार से पूछताछ करते हुए शराब वराब पीना बताया हमने, हो सकता उनका पैर वेर फिसल गया हो और उससे उनकी मृत्यु हुई। कहाँ का रहने वाला है ये? ग्राम पलसोड़ी नया टापरा का रहने वाला है। पास में एक तालाब के पास कुआ था, उस कुएं में उसकी लाश मिली है। सरकार स्वच्छता का पाठ पढ़ाने में लगी है, लेकिन मोटा वेतन लेने वाले शिक्षक ही स्वच्छता से दूर हो रहे हैं। जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किस तरह की शिक्षा देते होंगे, ये नजारा जावरा तहसील की ग्राम पंचायत रोजाना के स्कूल का है। सरकार ने पक्का स्कूल भवन बनवा दिया, स्कूल की दीवारों पर संदेशनात्मक चित्रकारी करवा दी। बावजूद उसके पूरा स्कूल परिसर गंदगी, कचरे के ढेर, खरपतवार से शिक्षा मंदिर की पवित्रता पर सवालिया निशान ही लगा रहा है। हालत इतने बद से बदतर है कि स्कूल आने वाले बच्चों की पढ़ाई तो दूर, उन्हें पहले स्कूल का काम करना पड़ता है। स्कूल की रद्दी को बच्चों से बोरों में भरवाया जा रहा है। बताया जाता है इस स्कूल के प्राचार्य जब मर्जी होती है तब आते हैं, उन्हें स्कूल के संचालन से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ मोटा वेतन ही समय पर लिया जाता है। स्कूल में फैली गंदगी को लेकर ग्राम वासियों ने भी विरोध किया, पूर्व में शिकायत भी की गई, लेकिन इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। ग्रामीण जनों का कहना है कि उन्होंने कई बार विद्यालय के प्राचार्य से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्राचार्य फोन ही नहीं उठाते। वो स्कूल में भी कभी आते हैं तो कभी नहीं आते, जिसे लेकर सरपंच और मंत्री ने भी ग्राम सभा की, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। ग्राम पंचायत सचिव अभय जैन बताते हैं, जबकि ईश्वरलाल पाटीदार का कहना है, जब ग्राम सभा खत्म होने के बाद, ग्राम सभा शाला परिसर में थी और ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा के बाद स्कूल के अंदर, शाला परिसर के अंदर जहां कक्षाएं लगती जहां इनका ऑफिस है, वहां का निरीक्षण किया और निरीक्षण में काफ़ी रद्दी के टुकड़े, पुस्तकें, कचरा, कुट्टा, डस्ट ये निकली, ये देखा और निरीक्षण किया ग्रामवासियों द्वारा। ग्राम वालों ने काफी अधिकारियों को भी फोन किए, शिकायतें भी की, क्या निराकरण मिला? ये स्कूल प्रशासन का मामला है और इसमें स्कूल प्रशासन की अंदर अपना, अगर अपना ऑफिस है या शाला है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके अंदर साफ सफाई रखें और स्वीपर से साफ सफाई करवाए, जो भी पीओ ने उसे साफ सफाई करवाए, उनकी स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। सभी ग्रामवासियों ने देखा आज पूरे स्कूल में पूरा कचरे कचरा पड़ा था और बच्चों को पूछा हमने कि साफ सफाई रोज होती है, बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं होती है। क्या ये कब होती है कि 8 दिन 10 दिन में एक बार सफाई होती है क्या? तो सर को पूछा, जो टीचर लोग इनको, तो क्या आप नहीं बोलते हो क्या? तो इन्होंने बताया कि हम बोलते हैं पर हमारा सुनते नहीं है क्या? फिर किन किन सुनते हैं? कि जो अपने प्रिंसिपल है
बस वो कहते वही करते हैं क्या, इसके अलावा हमारा कोई मतलब जो कहते हैं सफाई करने के लिए तो वो ध्यान नहीं देते हैं क्या। मतलब ऐसी स्थिति है, 8 दिन में 10 दिन में एक बार कचरा निकल मतलब साफ सफाई होती है, सारा कचरा नीचे पड़ा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को उसकी सूचना दी या कोई? जी मैंने दी ना, उसके पहले प्रिंसिपल प्रिंसिपल साहब जो है ना यहाँ के, उनकी भी मैंने जनपद में बोला था कि यार कई दिनों तक नहीं आते हैं क्या, और जब आते हैं 8 दिन 10 दिन में अगर एक बार आते हैं तो वो उनकी हाजिरी गैर हाजिरी देती है, तो वो तारीख डाल के कि मेन तो वही है वही हाजिरी भर लेते हैं क्या। और आज भी हमने मैंने फ़ोन लगाया एक बार नहीं करीबन 25 से 30 बार और उन्होंने फोन नहीं उठाया, किसी का नहीं उठाया, किसी का नहीं उठाया, मंत्री साहब का ही नहीं माना। हाल ही में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने भी सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने के लिए अधिकारियों को हर सप्ताह निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। ये है ACN डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।